हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के बारे में, जो कि एक मिड रेंज का प्रोसेसर है। इसके सीपीयू के बारे में बात करें, इसका 8 कोर से बना हुआ है, जो कि 2 कोर इसका 2.2 GHz क्रायो 660 गोल्ड कॉर्टेक्स A78 को बना हुआ है, और जिसका 6 कोर 1.7 GHz क्रायो 660 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 पर बना हुआ है, जिसके क्लॉक स्पीड 2200 MHz पर है। ग्राफिक्स के बात करें तो इसमें एंड्रेनो 619 लगा हुआ है, जिसके स्पीड्स 840 MHz तक है। इसका रैम की बात करें तो इसमें LPDDR4X, जिसका स्पीड 2133 MHz तक है। इसका बैंडविड्थ स्पीड भी 17 GB पर सेकेंड है। ये इसमें 8GB रैम तक को सपोर्ट करता है। इसका स्टोरेज की बात करें तो इसमें eMMC 5.1 और UFS 2.2 लगा हुआ है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें 2520x1080 तक का सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 108 मेगापिक्सल और 216 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें 1K 60fps तक और 1 वीडियो प्ले कर सकता है 1080fps के स्पीड पर 60fps तक। इसका मॉडेम की बात करें तो इसमें X51 लगा हुआ है। ये 4G LTE Cat 18 और 5G को भी सपोर्ट करता है। इसका डाउनलोड स्पीड अप टू 800 Mbps तक है और अपलोड स्पीड 210 Mbps तक है। इसमें Wi-Fi 5 लगा हुआ है, ब्लूटूथ को भी सपोर्ट 5.2 वर्जन से है इसमें। इसका 1.22 स्कोर 3,98,567 आता है। इसे गेमिंग स्पीड के बाद पबजी को 66 FPS लो पर खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स को 60 FPS लो पर खेल सकते हैं, 14 इट्स को 24 FPS लो पर, और शैडोगन लेजेंड 67 FPS लो पर खेल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।